हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बाड़मेर के राजकीय चिकित्सालय में अब दो शिफ्ट में होगी हर प्रकार की निशुल्क जांच एवं एक्सरे की रिपोर्ट। बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन रविवार को प्रशासनिक अधिकारियों के साथ राजकीय चिकित्सालय के औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे। बीते कुछ दिनों से राजकीय चिकित्सालय में अव्यवस्था की खबरों के बाद अतिरिक्त जिला कलेक्टर ओपी विशोई के साथ राजकीय चिकित्सालय पहुंचे। विधायक जैन ने चिकित्सालय प्रशासन के साथ बैठक लेकर जिले के दुरुस्त इलाके से आने वाले मरीजों और उनके परिजनों द्वारा निःशुल्क दवा और निःशुल्क जांच योजना का पूरा फायदा नहीं पहुंचने की शिकायत पर नाराजगी जाहिर करते हुए ऐसी शिकायतों के तुरंत समाधान की बात की। विधायक जैन ने बैठक के बाद जिले के सबसे बड़े राजकीय चिकित्सालय में सरकारी जांच लैब दो शिफ्ट में खोलने की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि एक्सरे मशीन से भी दो शिफ्ट में सुचारू करके मरीजों को राहत दी जाए। बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन व अतिरिक्त जिला कलेक्टर ओपी विशोई की अध्यक्षता में राजकीय चिकित्सालय में आयोजित बैठक में प्रमुख चिकित्सालय अधिकारी बीएल मंसूरिया व अन्य चिकित्सा अधिकारी भी मौजूद रहे। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए मेवाराम जैन विधायक बाड़मेर इन्होंने ये कहा, अस्पताल में सभी व्यवस्थाएं देखी कि क्या क्या चीज की कमी है और उसके अंदर पीएमओ सीएमएचओ एडीएम साहब पूरे डॉक्टर इनसे बात की कि अस्पताल में हमें क्या आवश्यकता है जिसका हम सुधार कर सकें। तो सभी से चर्चा करके एक तो ऑक्सीजन जिस तरह से कोविड के पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडरों की कमी थी उसके लिए हमने जो कंपनी या गैस बना रही है उनसे बात की। डिविजनल कमिश्नर साहब से उन्होंने उनको डायरेक्शन दिए और 50 सिलेंडर उसके लिए नए खरीदे का भी निर्णय हुआ और ऑक्सीजन कैसे आपूर्ति हो उसके लिए कंपनी ने इंश्योर किया कि बाड़मेर में कोई कमी नहीं आने देंगे, शाम को हमें सौ गैस सिलेंडर देंगे। दूसरा जो जांचें हो रही थी उसमें 12 बजे तक कर रहे थे, बाकी बाज़ार में जो जा रही थी उसके लिए हमने दो शिफ्ट में, कल से ये दो शिफ्ट से जांचें शुरू हो जाएगी, बाहर किसी को जाँच के लिए नहीं जाना पड़ेगा। एक्सरे मशीन के लिए जो एक डेढ़ दो बजे तक जो चल रहा था उसको भी हमने दो शिफ्ट में अब कल से शुरू किया। रात को 8 बजे तक भी एक्सरे हॉस्पिटल के अंदर होगा, बाहर नहीं जाना पड़ेगा। जागरूक टीवी के लिए बाड़मेर से ठाकरा राम मेघवाल की रिपोर्ट।